के बारे में बात करेंगे कि हमको फॉग मशीन यूज करने से क्या क्या जो है नुकसान होता है, उससे किस प्रकार से बचा जाए, हम लोग आज उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है, हमारा जो कार्य है, कार्य करते समय हमें किसी प्रकार का जो है हमारे साथ दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कुछ हमको प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, तभी जाके हमारी सुरक्षा हो सकती है। जब हम लापरवाही के साथ काम करेंगे तो हमारे साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। इसके लिए इस फॉग कटिंग मशीन का हम जो उपयोग करेंगे, फॉग कटिंग मशीन बहुत ही प्रकार की होती है, बहुत से टाइप्स की होती है, लेकिन हम जो साइड पे यूज करते हैं नॉर्मली, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, फॉग कटिंग मशीन का उपयोग करने से पहले हमको जो है उस मशीन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, कैसे चलाया जाता है, किस प्रकार से चलाया जाता है, किन किन चीज़ों का हमको ध्यान में रखना चाहिए, इसके बारे में हमको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा जो है, जब आप मशीन को लेके जाते हैं तो मशीन शुद्ध सही है कि नहीं, उसमें किसी प्रकार की खराबी है, ये सब चीज़ें हमको देखकर ही लेके जाना चाहिए कि वो कार्य करने के योग्य है अथवा नहीं। अगला जो है, जब हम मशीन को लेके जाते हैं तो हमको मशीन पे जहाँ पे रखना है कटिंग करने के लिए, कटिंग कार्य जहाँ पे करना है वहाँ पे हमको देखना है कि वो कार्य का जो एरिया है, एरिया सुरक्षित है, साफ है, वहाँ बराबर हाउसकीपिंग है, वहाँ कंबस्टेबल मटेरियल कुछ नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ ऊपर से कहीं से पानी गिरने का चांसेस नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हमें जो है जहाँ पे मशीन रखेंगे, जहाँ वहाँ कार्य करेंगे, वहाँ सुरक्षित एरिया होना चाहिए, उसका हमको ध्यान रखना चाहिए। चॉपसॉ मशीन जो यूज करेंगे तो उसमें जो है क्या क्या रिस्क है, किन किन चीज़ों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि हमारा आई इंजुरी है, हियरिंग लॉस हो जाता है, ट्रैफिक इंजुरी है, इसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, फायर हो जाता है, इसके बाद जो है कट इंजुरी होती है, हाथ कट सकता है या फिर ब्लेड कट के ऊपर अंग पे आ सकता है, तो कोई कहीं भी बॉडी पे इफेक्ट कर सकता है, मार लग सकता है, तो इन चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए, मशीन चालू करने से पहले हमको उसको पूरी तरह से इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए, उसकी जाँच कर लेना चाहिए, मशीन सुरक्षित और सही तरीके से या फिर इसमें किसी प्रकार की खराबी नहीं है, ये है कि नहीं, वो ठीक है तो उस मशीन को हम यूज करने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा था आई इंजरी। आई इंजरी देखिए क्या होता है कि एक तो जो है ब्लेड, जो मशीन हम यूज करेंगे, हमको इसको भी ध्यान देना कि जो मशीन हम यूज करेंगे उसका आरपीएम और ब्लेड का आरपीएम दोनों बराबर होना चाहिए, और या तो फिर जो है मशीन का जो आरपीएम है और जो ब्लेड का आरपीएम है, ब्लेड का आरपीएम अधिक होगा चलेगा, लेकिन ब्लेड का आरपीएम मशीन के आरपीएम से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें जो है ब्लेड टूटने का चांसेस रहता है। ब्लेड को लगाए हैं, अगर उसमें क्रैक है या किसी प्रकार का डैमेज है तो उससे वह जो है कार्य करते समय टूट सकता है, टूटेगा तो उड़ेगा, उड़ेगा तो अपने अंग पे आएगा या आंख पे लग सकती है, उससे तो हमको इंजुरी हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है। दूसरा जो है, जब हम कटिंग करते हैं तो मेटल के पार्ट्स हैं वहां से उड़ते हैं, तो उड़ेंगे तो हमारी आंख में आ सकते हैं, तो आंख पे लगेंगे तो उससे भी हमारी आंखें डैमेज हो सकती हैं। इसके लिए जब भी हम उस कार्य को करने के लिए जाते हैं तो मशीन का ब्लेड हमको चेक कर लेना चाहिए, बराबर है कि नहीं। दूसरा जो है, मशीन का गार्ड भी बराबर होना चाहिए, अगर गार्ड बराबर नहीं है तो भी हमको कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए क्या होता है, नॉर्मली कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो मशीन का गार्ड है उसको ऊपर, ये गार्ड जो है, गार्ड को क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए जो है ऊपर जो है वायर से बांधा हुआ है, तो वायर से अगर बांधा रहेगा तो फिर क्या होगा, अगर ब्लेड टूटेगा तो सीधा अंग पे आएगा, अंग पे आएगा तो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है, आंखों में आके लग सकता है वो, अगर ब्लेड टूटेगा तो इससे हमारी जो है आंखें इंजोर हो गई। उससे बचने के लिए हमको वहां पे अपना गार्ड लगाना चाहिए, ये गार्ड बराबर लगा रहना चाहिए। दूसरा, हमें काम स्टार्ट करने से पहले पूरा हमको पीपीई अपना लेना चाहिए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है, और सिर्फ अपना सेफ्टी गोगल हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि अगर कोई पार्टिकल्स उड़ते हैं या किसी भी प्रकार का पार्टिकल्स अगर उड़ता है तो हमारी आंखों की जो है उससे रक्षा हो सके। इसके लिए हमको सेफ्टी गोगल लगाकर ही कार्य करना चाहिए। लंग्स इंजुरी क्या है, देखिए अगर जो है हम काम करते हैं, जब कटिंग का कार्य करते हैं तो उसमें से जो है मेटल्स के जो है धूल निकलते हैं, उसमें कटिंग जो है मेटल्स के पार्ट्स से उड़ते रहते हैं, जो लाइट वेट के काफी रहते हैं, तो वो उड़ते हैं तो हम सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो वो क्या होता है, हमारे सांस के रास्ते माध्यम से हमारे लंग्स में जाता है, हमारे लंग्स को जो है नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए हमको जो है जब भी हम कटिंग का कार्य करें तो मास्क लगाकर हमको कार्य करना चाहिए। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल शॉक। इलेक्ट्रिकल शॉक क्या है, इलेक्ट्रिकल शॉक देखिए जो है अगर हम मशीन का उपयोग करते हैं तो हमारा केबल जो है उसमें डैमेज नहीं रहना चाहिए किसी प्रकार का, केबल में ज्वाइंट नहीं रहना चाहिए,
हमें जब भी हम अगर यूज करते हैं तो नंगा वायर कभी नहीं यूज करना चाहिए, इससे हमको जो है इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। देखिए और दूसरा क्या है कि अगर आप गीला हाथ है, पैर गीला है, तो इससे भी इलेक्ट्रिकल प्लग आप कभी नहीं लगाना चाहिए, उससे जो है शॉक मारने का चांसेस रहता है। जब भी देखिए अगर हम केबल यूज करते हैं, केबल में ज्वाइंट अगर रहेगा तो हम क्या करते हैं, काम जो है चालू करने से पहले प्लग टॉप लगा देते हैं, मशीन हमारी यहाँ रहती है, अगर जरूरत आता है तो हम एक जगह से दूसरे जगह में मशीन शिफ्ट करते हैं और केबल को लपेटते हैं, लपेट के लेके जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, जब आप केबल को लपेटने लगते हैं तो अगर डैमेज रहेगा जहाँ पे केबल, वहां पे अगर आपका हाथ आएगा उससे जो है वहां पे इलेक्ट्रिकल शॉक आपको मारने का चांस रहेगा, वहां पे शॉक मार सकता है। इसके लिए जो है केबल ज्वाइंट्स नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पे मेल फीमेल सॉकेट होता है उसका उपयोग हमको करना चाहिए। तो हियरिंग लॉस, हियरिंग लॉस जो है हमारा कान जो है सुनने कम लगे, मतलब हियरिंग लॉस का मतलब क्या होता है कि हमें सुनाई कम पड़ने लगे, बाद में हमको सुनाई कम पड़े, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रोकने के लिए क्या करते हैं, देखिए जब हम मशीन का उपयोग करते हैं तो उसमें से साउंड बहुत आता है, साउंड ज़्यादा आता है, साउंड ज़्यादा आता है तो क्या है हमारा कान का जो सुनने का जो क्षमता है वो एक लिमिट है, उतना तक आवाज़ जाएगा तो अच्छा है, अगर उससे ज़्यादा आता है तो हमको जो है दिक्कतें पैदा होती हैं। इसके लिए हमको जो है अपने कानों की रक्षा के लिए हमको ईयर प्लग का उपयोग करना चाहिए, ताकि जो है कितना भी साउंड हो तो हम उसको कंट्रोल कर सकें और हमारे कान को किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो। कट इंजरी जो होती है, देखिए मशीन का हमने पहले बता दिया ब्लेड डैमेज नहीं होना चाहिए, क्रैक्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर वो टूटेगा तो हमारे अंग पे आएगा कहीं पे भी लग सकता है, उससे भी हमारी बॉडी इंजरी हो सकती है। दूसरा जो है हाथ कटता है, हाथ कटने का कैसा चांस है, एक तो मशीन जब भी हम यूज करते हैं तो मशीन को क्या करते हैं, जब भी यूज करते समय ये तेजी से दबाते हैं कटिंग करने के लिए कि जल्दी से कट हो जाए, ऐसा कोशिश नहीं करना चाहिए, इससे में क्या होता है ब्लेड टूटने का चांसेस रहता है, ब्लेड टूटेगा तो अंग पे आ सकता है, अंग पे आएगा तो दिक्कत हो सकती है, इसके लिए हमको गार्ड भी बराबर यूज करना चाहिए। तो दूसरा जो है क्या करते हैं कि हम जब मशीन जो चालू रहती है, मशीन चालू करते हैं हमको ज़्यादा कार्य रहता है तो हम क्या करते हैं कभी कभी कौन बार बार उसका स्विच को दबाएगा, इसके लिए क्या करते हैं कुछ लोग ऊपर से जो है बाइंडिंग अपना वायर लगा के उसका स्विच को बांध देते हैं, जब स्विच को बांध देते हैं तो कंटिन्यू मशीन चलती रहती है, फिर वो क्या करते हैं कटिंग करने के लिए दोनों हाथ से जो है कटिंग करने का कार्य करते हैं। ऐसे में क्या होता है जब आप सामान इधर उधर करते हैं तो हाथ जो है उनका कांटेक्ट में उसमें ब्लेड के कांटेक्ट में आ सकता है, और जब ब्लेड के कांटेक्ट में आएगा जरा भी टच होगा तो तुरंत वहां पे हाथ कट सकता है, आपका फिंगर अंगली आ गई कुछ हो तो ऐसे में कटने का चांसेस रहता है। इसके लिए जो है हमको कभी भी बाईपास नहीं करना चाहिए, जब भी यूज करना है तो हमको जो है बटन दबाने का स्विच दबाने के बाद ही उसका उपयोग करना चाहिए, छोटे छोटे पीसों का उपयोग नहीं करना चाहिए, छोटा पीस रहेगा आप कटिंग करने के लिए जाएंगे नहीं पकड़ में आएगा तो वो उड़ेगा, उड़ के आपके अंग पे आके लग सकता है। दूसरा जो है छोटा रहेगा आपका हाथ जो है ब्लेड के करीब आ सकता है, ऐसे में जो है आपका हाथ जो है कटने का चांसेस रहेगा। इसके लिए जो है हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी जिससे कि हमें किसी प्रकार का नुकसान न हो सके। फायर है, फायर देखिए जो है जब भी हम कार्य करने के लिए जाते हैं जिस भी जगह पे तो जगह उस एरिया को पूरी तरह से हमको जांच कर लेनी चाहिए कि यहाँ पर जो है कोई किसी प्रकार की जलने वाली चीज ना हो, कोई भी जलने वाली वस्तु ना हो, ना तो कंबस्टेबल मटेरियल हो ना तो फ्लेमेबल मटेरियल हो, नहीं तो वहाँ पे आग लग सकता है। अगर है तो अगर नहीं आप हटा सकते तो उसको जो है फायर ब्लैंकेट या कुछ भी यूज करके उसको हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए जिससे कि हमारा जो कटिंग करते समय जो फ्लेम निकलता है वो उसके ऊपर न जाए। हमारे पास वहाँ पे जो है फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए जब भी हम कार्य करते हैं। देखिए हार्ट वर्क में के अंतर्गत ये आता है, हार्ट वर्क करने के लिए जाएंगे तो वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग करेंगे। दूसरा वर्क परमिट भी हमारे पास होना चाहिए, तो वो देखिए अगर हम प्रोटेक्ट कर देंगे तो काम कर सकते हैं, लेकिन जो है जब कटिंग करने लगेंगे फिर भी हमको जो है उसके फ्लेम जो निकलते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सामने कोई जो है मेटल का सीट या कुछ भी लगा के हमको जो है फ्लेम को प्रोटेक्ट करना चाहिए कि फ्लेम ज़्यादा दूर तक उड़ के ना जाए जिससे कि हम फायर से बच सके। जब आप कार्य कर रहे हैं तो कभी भी मोबाइल फोन का उपयोग ना करें या किसी अन्य व्यक्ति से बात ना करें, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ध्यान जो है दूसरी तरफ जाएगा, इसमें जो है कुछ गलतियां हो सकती हैं और आपके लिए जो है दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। इसके लिए इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपने कार्य में जो है पूरा ध्यान लगाकर कार्य करना है। जब तक आप उसका मशीन का उपयोग कर रहे हैं तब तक आपका ध्यान मशीन की तरफ ही होना चाहिए, बाकी चीज़ों पर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि आपको आगे
अच्छी अच्छी वीडियो जो है सेफ्टी से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, आपकी रक्षा से संबंधित आपको मिलते रहे। थैंक यू।